कार्लाई में आपका स्वागत है। मैं दीप सिंगर, आइए चलते हैं खास खबर की ओर। सुकमा डुकमा डैम का नजारा देखने में लग रहा है अद्भुत। ओवरफ्लो पानी हो रहा है सुकमा डुकमा डैम का। जानकारी के अनुसार झांसी का सुकमा डुकमा बांध के ऊपर से पानी गिर रहा है और यह अद्भुत नजारा देखने के लिए काफी लोगों की भीड़ भी उमड़ रही है। पिछले दो दिनों से मध्य प्रदेश में बेतवा नदी के बहाव क्षेत्र में लगातार बारिश होने से नदी उफान पर है, इसलिए ललितपुर के राजघाट और माता टीला बांध से पानी छोड़ा गया है। बताया जा रहा है कि इसी के चलते सुकमा डुकमा बांध ओवरफ्लो हो गया है। वहीं प्रशासन ने निचले इलाकों के गाँव को अलर्ट भी कर दिया है। इधर विदिशा समेत मध्य प्रदेश में बेतवा के बहाव क्षेत्र में बारिश होने से बेतवा का जल स्तर बढ़ गया, इसलिए राजघाट बांध से करीब 84,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इसके बाद रविवार शाम को माता टीला बांध के लगभग 20 गेट भी खोले गए हैं। यहां से 50,000 क्यूसेक पानी बेतवा नदी में छोड़ा जा रहा है। माता टीला बांध का जल स्तर 306.96 मीटर बनाए रखने के लिए रविवार शाम को बांध के लगभग 20 गेट 2-2 फीट खोल दिए गए हैं। माता टीला बांध से पानी छोड़ने के बाद आज सुबह झांसी के सुकमा डुकमा बांध के ऊपर से बहाव आरंभ हो गया। वहीं मौसम विभाग का भी कहना है कि आज झांसी में बारिश की संभावना नहीं है। दो दिन बाद 31 जुलाई से मानसून दोबारा दस्तक दे सकता है। इसके बाद अच्छी बारिश होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर लाइव।